तो गुड़िया मोरी प्यार दिल से कोई दूर न जावे, दिल से कोई दूर न जावे। बोला बू जखन तो किया हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गोरी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, हम लोग भी अच्छे ही हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहा 6:30 और मैं तो उठ चुकी हूँ, मेरे पति भी उठ चुके हैं और मेरी दीदी लोग नहीं उठी, उठाते हैं लोग जल्दी से क्योंकि 6:30 बज चुका है और 9 बजे ये लोग का ट्रेन है और पिछले बार छूट गया था। सो जल्दी जल्दी उठो दोनों जन, उठो 6:30 बजे उठो। ये लोग नीचे सो रही है, देखिए उठल पुटल हो रही, जल्दी उठो। अभी ब्रश करेगी और क्या क्या कपड़े उपड़े डालेगी, कपड़े उपड़े तो सब पैकिंग हो ही चुका है लेकिन फिर भी रात में पूरी बना है वो सब डालते समय हो जाए। यहाँ से जाने में टाइम लगेगा ना, दूर है हटिया। उठो ये तो ट्रेन मिस कर रहा है, हमको लग रहा है काम मिस हो, हम तो रोटो नहीं था निकल जल्दी भी ट्रेन। ठंडा तो ठंडा, ठंडा तो लग रहा है लेकिन क्या करेगा। तो यहाँ दीदी लोग सोई थी, यहाँ हम लोग सोए थे। अभी बेड वगैरह कुछ भी नहीं समेटे हैं जो कि मैं समेटूंगी। बिरवेन करना काम बड़ा यूरंग डाया ना लेट हो 5 बजे में बिर करना एंड कोरम कार्यक्रम करना। तो गाइस दीदी लोग चली गई है ब्रश करने के लिए और मैं ब्रश करके आ चुकी हूँ और मेरे पति भी आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। तौलिया नहीं दी, तौलिया तो एक बाहर है, भींगा पड़ा हुआ है। यहाँ कवर से निकालो, तौलिया निकालो सूख जाएगा। अरे वो सीता गया है पूरा, हाँ उसी को निकालो, उसके नीचे वाला। अरे वो वाला निकालो, अच्छा ठीक है चलो यूज कर लो। तो अभी मैं भी तैयार होने जा रही हूँ, मेरे पति भी जा रहे हैं। अब स्टेशन जा रहे हैं ना दीदी लोग को छोड़ने। हेलमेट हम लोग के पास 2 ही है ना, क्या किया जाए हेलमेट का, जल्दी जाएंगे अभी मैं आई होप सो चलाना कटे तो चलो ठीक है। फिर गाइस मैं रेडी हो जाती हूँ और मेरे पास पहनने के लिए सूट तो बिल्कुल नहीं है, है लेकिन सारा सूट फिटिंग करना पड़ेगा और लेगिंग्स वगैरह नहीं है वो सब का, तो मैं फिलहाल तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। नहीं है सूट तो मैं जींस पहन के नहीं जाना चाहती हूँ। जींस मैं पहनती हूँ यहाँ आस पास, जैसे 2 मिनट का काम हुआ, जैसे कैफे जाना हुआ या दुकान से कुछ लाना हुआ तो घर का ड्रेस चेंज करके तुरंत जींस टॉप पहन लो और निकल जाओ। और अभी थोड़ा दूर जा रही हूँ, हो भी सकता है उधर गांव के लोग ऐसे रांची हटिया जो काम करते हैं वो लोग मिल जाते हैं, शालीमार बाजार आ करके कुछ कुछ बेचते खाँसते हैं ऐसे मिल जाते हैं गांव तरफ के लोग, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तो मुझे कैमरा में देखा ही जाता है बाल खोल करके या जींस टॉप पहन करके, तो सामने से तो नहीं ना देख रहा है। अब कैमरा में कभी कभी दिन भर में बाल खोपा करके तो नहीं रखती ना, कभी कभी ऐसे खुला रह जाता है। जैसे कि हम लोग का ये है कि भैंसुर लोग के सामने ये सब नहीं खोलना है। तो बाय द वे ये सब बातें फिर कभी हम करेंगे, अब फिलहाल मुझे रेडी होना है। ओके गाइस, तो मिलेंगे आप लोगों से तैयार होने के बाद में। मैं तो हो गई हूँ रेडी और मेरी बहन लोग भी हो गई है, दीदी भी हो गई है, मेरे पति भी हो गए हैं, सबको ही हो गया हम लोग रेडी और पैकिंग भी हो ही गया है। अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। मैं ये वाला साड़ी पहन ली हूँ, ब्लाउज कुछ और साड़ी कुछ और, क्योंकि जैकेट पहनूंगी थोड़ी ना दिखेगा। तुम हो गई है तैयार? हाँ हो गई है। दीदी का खोपा भी नहीं बना है इतना जो सुबह गुस्सा मारी ना, मार देंगे ना कैसे लगा थे मुंबई जाके ले ठीक इतना जोर से मार रही है पेट में हो गए। हाँ ओके, तो हम दोनों रेडी हो गए हैं। अब बाल हमको खोपा करना है लेकिन अभी फिलहाल तो मैं हेलमेट पहनूंगी, इसीलिए मैं क्लेचर नहीं डाली हूँ। स्टेशन पहुंच के जल्दी से खोपा बना के क्लेचर डालूंगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आज मैं ये वाला साड़ी पहनी हुई हूँ और ये वाला साड़ी एक्चुअली मेरी दीदी लोग का है। आप बताइएगा आप लोग में कैसी लग रही है। ये वाला पल्लू इतना भारी है ना, देख सकते हैं इतना सारा जड़ी बूटी लगा हुआ है ये देखिए बड़ी भारी है लेकिन फिर भी मैं पहन ली हूँ। अभी फिलहाल तो मैं जैकेट पहनूंगी और अच्छा है लेकिन कलर साड़ी से बहुत मस्त है, सीरियल में पहनती है ना वैसा वाला साड़ी है ना, अच्छा लग रहा है। चलो फिर चलो, लेट हो रहा, 7 बज गए। चलिए आगे करिए, आगे करो तुम लोग चलिए आगे करिए, आगे करिए। बाय बाय। हटिया स्टेशन कैसा
मैथ है, हमको नहीं समझ आ रहा है। कटिया का पूरा ये क्या चीज है बताइए, क्या चीज है? यहाँ का मैप है, स्टेशन का मैप। अच्छा, स्टेशन का मैप यहाँ है, हटिया स्टेशन। छोटू सा दिख रहा है, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। हम उधर पूरा घूम घूम कर कर लेते हैं। नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं। कौन वाला है? रांची गोड्डा वाला ट्रेन खड़ा है ना, क्या है? सीना रांची रांची गोड्डा। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हटिया स्टेशन। हेलमेट को खोल दीजिए, ठंडा लग रहा है, ये हेलमेट नहीं खोल रहे। और दीदी लोग ताई चाय वगैरह पी ली है और खाने पीने वाला ही खरीद रही है। अभी मैं पैसा मत खत्म करो, वहाँ जाके काम आएगा। ट्रेन है 9:40 पे, हम लोग 9 बजे है और हड़बड़ हम लोग निकल गए हैं। ठीक से टिकट नहीं देखे थे, 9 बजे है ये, इतना ही हम पता था, लेकिन टिकट देखे थे 9:40 पे। और फिर वेट करते हैं ट्रेन का समय है और तो लगी हुई है, पता नहीं क्या कर रही है, बहुत सारे बोर्ड कर रहे हैं। तो गाइस मिलेंगे आप लोगों से, अभी तो हम वेट करते हैं। काम जाओगे 10 बजे, अभी समय है तो हम लोग बैठते हैं। तो गाइस अभी ट्रेन आने में समय है तो हम लोग इधर आ गए हैं धूप साइड। गाइस वहाँ बहुत ज़्यादा मुझे ठंडा लग रहा था, ठिठर रही थी मैं, तो यहाँ आस पास धूप है, इधर ही खड़े होते हैं। दीदी लोग को बुला रही तो वो लोग आ नहीं रही, बैठी हुई है उतना ठंडा में प्लेटफॉर्म में, धूप आ ही नहीं रहा है। यहाँ देखिए मस्त है धूप सेकाने के लिए, तो थोड़ा देर धूप में ही रहते हैं। तो गाइस ट्रेन आ चुका है, आई मीन प्लेटफॉर्म पे लग चुका है, तो अभी जा रहे हैं हम लोग उधर और सीट नंबर वगैरह ढूंढ देते हैं और फिर हम लोग निकलेंगे, क्योंकि ट्रेन तो लग चुका है। 9 तो नहीं बजा है लेकिन 8:45 में ट्रेन लग गई है। फिर अभी सीट नंबर वगैरह ढूंढ करके वो लोग बैठेगी, फिर अपना समय से ही ट्रेन तो छूटेगी। तो जा रहे हैं गाइस, फिर हम लोग घर भी चले जाएंगे, इनको काम भी जाना है। तो हम A7 पूछ रहे हैं, S1 है, आगे होगा। हाँ हाँ यही है LTT, पता नहीं। ये है S2, बहुत पीछे है ना, और एक ही सीट मिला है तुम लोग को, दोनों जाने 55-55 ही, सिर्फ एक ही सीट मिला है। हाँ शेयर करके जाना, वेटिंग में ही था तो टिकट, पता नहीं सीट है कि नहीं आता ना जी। ये दोनों 56 है रे लड़की, इन्हें कम लग रहा है, नहीं नहीं आता ना, जाते मान ली लोड होता ना पूरा मेरे नाते कम ही बिना का पैसा को कुल लेवे ना थोड़ा मदद जी का भी एकदम पूरा एक बार से मत आइए इंजा जैसे बाय 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 मस्त ना बाय आई हम कल बिन दूर नहीं बाहर पैसा को पूरा इतने कर में ना कर तो हम लोग निकल गए। तो गाइस हम लोग स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, यहाँ गाड़ी पार्किंग में लगाए थे वहाँ, यहाँ भी अभी पेमेंट करने पैसे दे रही हूँ, पता नहीं कितना लेगा। अरे लेगा पैसा, मांगेगा तब का क्या, अभी रोकेगा वहाँ पर। तो गाइस हम लोग जाते हैं घर की और मिलेंगे आप लोगों से घर पहुँचने के बाद में, क्योंकि मुझे भी राइड करना है, मेरे पति को भी राइड करना है। वहाँ दे दीजिए ना, लेगा ही लेगा पैसा। मेरा और एक फ़ोन पकड़े है ना, और ना मेरा फ़ोन का ना बैटरी ख़त्म हो गया है, ये मैं दूसरे फ़ोन से ब्लॉगिंग बना रही हूँ, पूरा स्विच ऑफ हो गया है जिससे मैं ब्लॉग बनाती हूँ वो वाला। हम लोग रूम पहुँच चुके हैं और आज ना कुछ स्पेशल दिन है, पूछते हैं मेरे पति को याद है कि नहीं। सुनिए आज क्या स्पेशल दिन है बताओ। ना ये वाला नहीं, प्लीज़ बताओ। अरे 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 कहाँ जा रहा है, नहीं पहले हमको बताओ फिर हम कट्टी हो जाएंगे, अगर नहीं होता है तो। एक महीना का एनिवर्सरी हो गया। क्या आज दिन शादी था, कितना महीना हो गया? एक महीना। तो गाइस हमारी शादी को 1 month कंप्लीट हो चुका है, कैसा लग रहा है? पता ही नहीं चला कि शादी हुई। मैं ना इसको क्या बोल रही थी, हम
मुझे पता ही नहीं चलता शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, बोलती हूँ बस मांग में सिंदूर देखती हूँ तो एहसास होता है कि मेरा शादी हो चुका है। जिस दिन शादी था उस दिन लग रहा था कि हाँ आज मेरा शादी है। आधा मैं ब्लॉगिंग की थी और फिर घर से फोन आ गया था तो वही मैं अटेंड कर रही थी, माँ लोग बात कर रही थी मेरे से। क्या मैं बोल रही थी आपसे, अभी फिलहाल तो ये मैगी बना रहे हैं ना। हाँ तो कैसा लग रहा है आपको, शादी का एक महीना हो गया आज, पता नहीं चल रहा है। आई होप सो कि ऐसे पता ना चले, आज सारी जिंदगी निकल जाए अच्छे से ना। तो इसको मैगी बनाने देते हैं। और क्यों लगवा रहा है बार बार नमक? नमक रात का चावल है उसी को गरम कर दे रही हूँ और सब्जी है उसी को, और मैगी भी बन रहा है वही, सबको नाश्ता कर लेते हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये खाएंगे और ये चले जाएंगे ड्यूटी। मेरा नाश्ता रेडी है, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, अंडा मैगी। ओके गाइस, पैसे दे, पैसे तो आप ही के पास है, हमको मांगता है। तो मेरे पति तो खाना वगैरह खा लिए, वो जा रहे हैं, शाम में केक ला दीजिएगा। छोटा वाला ही चाहिए, चॉकलेट केक हमको चाहिए। चॉकलेट केक को कौन सा केक अच्छा लगता है बताओ? कोई सब अच्छा ही, बस सब नहीं अच्छा लगता है। ला दीजिएगा ना, बाय। तो गाइस सभी बज रहे हैं रात के 8 और मेरे पति आ चुके हैं रूम पे। केक तो मैं बाद में दिखाऊंगी लेकिन मैं दिखाती हूँ मेरे पति क्या कर रहे हैं। उनके पानी भगवान ऐसे कौन आटा गूंथता है, ठीक हो जाएगा, गीला हो जाएगा। ये खुद के लिए सिर्फ पूड़ी बना रहे हैं तो मैं तैयार होने जा रही हूँ, इसीलिए मैं बोली आप ही गूंथिए क्योंकि मैं तो चावल बना चुकी हूँ। ये देखिए गाइस, इसमें है फूलगोभी आलू और मटर का तियन। ओके गाइस, पूरा डबनी सब तो पूरा ऊपर तक पानी आ रहा था क्योंकि आलू नहीं पका था ना तो ज्यादा पानी मैं डाली थी। तो गाइस मैं तो चावल खा रही हूँ और ये देखिए मेरे पति इतना सारा पूड़ी लेके बैठे हुए हैं। मैं तो चावल की आदी हूँ जैसे कि आप लोगों को पता है, तो पहले हम लोग खाना खाते हैं फिर केक काटेंगे। खाना तो हम लोग खा लिए हैं और अब भी जा रहे हैं हम लोग केक काटने, और मेरे पति तो सो रहे हैं, वो बोले कि पहले खाना खाएंगे फिर हम लोग केक काटेंगे। तो मैं सोच चलो तब काम करके आए हुए थके हुए हैं तो फिर खाना हम लोग खा लिए, उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है अब क्या करें। तो मैं तैयार नहीं हो रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, ऐसे ही हम लोग ऐसे भी एक साल का एनिवर्सरी तो है नहीं, एक महीना ही तो कंप्लीट हुआ है, अभी तो ऐसे और भी एनिवर्सरी आने वाला है। तो मैं अच्छे से रेडी होऊंगी, अभी फिलहाल ऐसे ही मैं केक काटती हूँ। ओके गाइस, इसको माइंड मत लीजिएगा क्योंकि मैं सिंपल ही रहती हूँ, बहुत कम मेकअप करती हूँ और आज तक जिंदगी में प्रॉपर मेकअप कभी नहीं की हूँ, मेरा शादी में भी प्रॉपर मेकअप नहीं की थी मैं। ओके देन उठिए, हाथ मेरा कहे लहर रहा है यहाँ पर, चलिए फिर लाइए केक तो आप लोगों को केक में दिखाती हूँ। ओके गाइस, ये रहा हमारा प्यारा सा केक और इसमें लिखा हुआ है हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ है आई थिंक ना, मैं सोची थी यहाँ लिखवा लेना ऐसे मैं बोली थी, पर ये बोल रहे लिखने वाला नहीं था तो फिर ये बस मिला ये वाला। तो आप लोग बताइएगा ये केक कैसा लगा। ओके गाइस, ये देख सकते हैं गाइस हमारा प्यारा सा केक, ये इधर होना चाहिए आई थिंक ना, कि मैं ही उल्टा हूँ। तो गाइस इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, अब हम लोग केक काटते हैं। ओके गाइस, नीचे रखो, यहाँ से दिख रहा है ये सेट करके आए, मुझे नहीं पता दिख रहा है। ओके, हैप्पी वन मंथ एनिवर्सरी माय डियर हस्बैंड, हैप्पी वन मंथ एनिवर्सरी। गाइस पूरा हाथ में केक लग गया है, चलो तो ये लीजिए गाइस केक, खराब नहीं होगा तो गाइस इतना सा हम लोग केक खा लिए हैं, देख सकते हैं बाकी केक रख देते हैं और यहीं पर एनिवर्सरी खत्म होता है। तो गाइस अभी जा रहे हैं बेड में ना, बेडशीट वगैरह नहीं बिछाए हैं, पूरा ऐसे ही है क्योंकि आज सब्जी धुल गया था इसीलिए। अभी जा रही हूँ बेड ठीक करती हूँ और फिर हम लोग सो जाते हैं और यहीं पर ब्लॉग वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दिन, बाय एवरीवन, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।